Hey everyone, welcome back to our channel. तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मैं, मम्मी और जय हम लोग जाने वाले हैं राउरकेला में हनुमान वाटिका, यही नाम है. तो अब हम लोग निकलने वाले हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरी रेडी हूँ, यहाँ पर ये भी रेडी है, कोई फायदा नहीं रेडी होकर. यहाँ पर मम्मी है, मम्मी खाली ऐसे कर दीजिए. तो ये मम्मी है, अभी हम लोग निकलेंगे, बाकी का ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं. यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए. जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं ऑटो में. एक्चुअली ये ऑटो भी नहीं है, टोटो भी नहीं है, पता नहीं इसको शायद टेम्पो बोलते हैं, वहाँ पर यही चलता है. और हमको ये बहुत अच्छा चीज़ लगा वहाँ का कि जैसे हम लोग कैब बुक करते हैं वैसे यहाँ पर ये ऑटो टोटो या टेम्पो जो भी बोल लो आप वो बुक होता है. तो ये काफ़ी अच्छा है. और ये बैकग्राउंड तो मुझे बहुत, मतलब फ़ोटो के लिए ये बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो लिया. तो यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट क्या, यहाँ पर मंदिर पहुँच चुके हैं. मंदिर के बाहर यहाँ पर जय उनको पेमेंट वगैरह कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर बाहर से वीडियो ले लिया. बहुत लोगों को मैं यहाँ पर राउरकेला हनुमान वाटिका घुमा रही हूँ वीडियो में, तो लाइक ज़रूर करना. तो यहाँ पर पूजा का जो भी सामग्री वगैरह है वो हम लोगों ने लिया और यहाँ से बस अंदर की तरफ जा रहे हैं. एक्चुअली ये वाटिका, वाटिका मतलब शायद जंगल होता है, अगर मैं, मुझे सही पता है तो जंगल ही होता है. तो यहाँ से मंदिर स्टार्ट है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, यहाँ पर ये एक जंगल की तरह है और हर जगह अलग अलग भगवान जी का अलग अलग मंदिर है. और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर है, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा वहाँ पर जाके. बहुत पीसफुल प्लेस है ये, मतलब चिड़िया की आवाज़, मतलब आप देख के यहाँ पर समझ सकते हो कितना खूबसूरत है. तो अलग अलग मंदिर में अलग अलग भगवान जी है. और वहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर में जाके वीडियो करना मना था, इसलिए जितना भी बाहर से मैं कर पाई उतना वीडियो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत भी दिखा दूँ तो मुझे सब्र हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर बनी हुई हूँ लाल परी. कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना. ये बनारस से मैंने प्योर बनारसी सूट पीस लिया था, तो वही मैंने सिलवा के पहना हुआ है. और हेयर कट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करना, ताकि मैं, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी कटवाऊँ तो सोचूँ कि मुझे कमेंट आए थे कि मैं अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी. तो यही है. और यहाँ पर मैं, मम्मी और जय गए थे इस मंदिर में. हम लोगों ने पूजा जो है वो हनुमान जी का ही किया था, लेकिन बाकी मंदिर में भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ, मतलब हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी की पूजा वाले मंदिर की तरफ. और यहाँ से आप देख सकते हो इतना बड़ा हनुमान जी है, लगभग 6 से 7 तल्ला जितना मंजिल होता है हनुमान जी, उतना ही ऊंचाई पे बना हुआ है. और सामने में रखा हुआ है रथ, वहाँ पर बहुत अच्छे से रथ पूजा होती है. क्या बोलते हैं, रथ पूजा में जो भगवान होते हैं, जब वीडियो में, मतलब जब वॉइस डालती हूँ ना तो याद ही नहीं आता है भगवान जी का. खैर जो भी हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा, मतलब हम लोग जब सामने गए तो हनुमान जी का पैर, सिर्फ पैर तक ही आ रहे थे हम लोग, इतना ज़्यादा बड़ा है. और काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है. तो यहाँ पर ये पूरा है, मैं आपको गोल गोल घुमा दूँगी. यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा गाड़ी भी चलता है. और आपको पूजा करके ऑफकोर्स मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है. और फिलहाल हम लोग राउरकेला में अभी तक यहीं घूमे हैं हनुमान वाटिका, क्योंकि मम्मी जी कुछ दिन के लिए आई हुई हैं. तो हम लोगों ने सोचा, मैं भी नहीं घूमी हूँ, तो हम लोगों ने सोचा चलो मम्मी को भी घुमा देते हैं, हम लोग भी घूम लेंगे. तो फिलहाल अभी तक हनुमान वाटिका ही हम लोग गए हैं, अब आगे देखते हैं कहाँ जाना होता है. तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में इंटर कर रहे थे, यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने चुपके चुपके थोड़ा सा वीडियो कर लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग भी देखें, मेरे फैमिली मेम्बर भी देखें. तो चुपके से मैंने छोटा सा वीडियो कर लिया, भगवान जिसके लिए मुझे माफ़ करे लेकिन मैंने वीडियो किया. और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये चुपके से किया हुआ वीडियो है. जैसे हाथ में होता है ना नॉर्मल मोबाइल लेकर रखते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, कभी पोर्ट्रेट में कभी लैंडस्केप में ऐसे करके. और सेम मैंने जय को बोला कि एकदम नॉर्मल मोबाइल पकड़ना, ताकि पंडित जी को पता ना चले कि हम लोग वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो करना था. तो वैसे ही जय ने पकड़ा, वैसे ही उनका भी वीडियो हो गया. यहाँ पर फिलहाल मैं मम्मी और जय का वीडियो ले रही हूँ, और जब मैं बैठूँगी तो जय भी चुपके से वीडियो ले लेंगे. तो यहाँ पर हो गया है पूजा पाठ. पूजा पाठ का तो वीडियो, जैसा मैंने बोला, नहीं ले सकती थी तो नहीं लिया. नारियल फोड़ा, प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी ने पूजा चढ़वा दिया,
दक्षिणा वगैरह हो गया, अब यहाँ पर धागा बंधाई हो रहा है ना, धागा बंधाई बांधने के बाद दक्षिणा हम लोगों ने दिया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ की कि पंडित जी मुंह खोल के नहीं बोलते कि आप इतना दीजिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर कालीघाट में चल जाओ ना आप, ऐसे नोचेंगे आपको ना कि मैं क्या बताऊँ पैसे के लिए कि आप इतना दे दो उतना दे दो। यहाँ पर आप श्रद्धा से जो दे दोगे वो वही ले लेंगे, बोलेंगे भी नहीं कि मुझे और दो। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग बस उतना ही दे दें, आप जितना दे सकते हो उतना दो, उनका भी ये काम है, वो भी खुश और हमारा है, हम भी दिल से जो देंगे हम भी खुश। तो यहाँ पर मैं बंधा ली हूँ, क्या बोलते हैं, रक्षा धागा। वैसे मैं एक से दो दिन ही रखती हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड में रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब क्यों वो आप अच्छे से समझ सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रक्षा धागा एक से दो दिन में ही मैं निकाल के उसको ठंडा कर देती हूँ, मतलब रख देती हूँ गंगा वंगा में, क्या बोलते हैं, विसर्जन कर देती हूँ, यही समझ लो। तो किसको किसको मैं मोटी लग रही हूँ मुझे बताना मोटी होती जा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा एक्सरसाइज वगैरह का, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा अब देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी वीडियो नहीं अलाउ था, चुपके चुपके वीडियो किया मैंने। और यहाँ पर पूरा कांच का छोटा छोटा करके पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। और यहाँ पर राम आपको उल्टा दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हनुमान जी सीधा राम जी का पढ़ रहे थे तो इस वजह से हम लोगों को वो उल्टा दिखेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ही बनाया हुआ है। तो यही था हनुमान विहार टीका, अब हम लोग बाहर निकलेंगे और चलिए अभी कुछ मंदिर बाकी है। फिलहाल हम लोगों का पूजा वूजा हो गया है, अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, अब कुछ खाएंगे। वैसे अभी यहाँ पर तो हम लोग पूजा तो हो गया है और अभी यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है, अभी हम लोग जाएंगे, जाते वक्त दिखाते हैं आपको। अंदर का कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे अंडा खाना थोड़ी है, बस हम सबका वीडियो कर लेते किए थे हम आते वक्त। हो गया दर्शन अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर, एक्चुअली प्रसाद का लड्डू टेस्टी था तो लड्डू हम लोग खाने के लिए ले लिए हैं खा लेंगे। अच्छा, अभी हम लोग बैठे हैं, अब ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद घर निकलना है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर मम्मी बैठी है, मम्मी खाएंगी सिंघाड़ा और वड़ा और हम लोग खाएंगे डोसा। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं ऑटो में और घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गया, तो बस हम लोग घर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके हैं, मम्मी ताला खोल रही है। तो हम लोग आ गए हैं वापस, मैं कितनी काली हो गई हूँ, दीघा जाके और भी काली हो गई। खैर जो भी हो, ये इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को लाइक कर देना, बाय।